नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडीसी इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर एडीसी इंडिया। मेक श्योर टू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन फॉर मोर। हमारी और वीडियोस की जानकारी के लिए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 रीजंस की जिनकी वजह से आपका वेट जो है वो बढ़ नहीं रहा है। नंबर 5 पर है लैक ऑफ फूड, यानी कि आप जो फूड ले रहे हैं वो बहुत कम है। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हमको लगता है हम बहुत सारा खाना खाते हैं, बट एक्चुअली में उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। इसलिए आप प्ले स्टोर से कोई भी कैलोरी काउंटर ऐप जैसे कि माई फिटनेस पैल, इस तरह का कोई ऐप डाउनलोड करें और अपनी कैलोरी इनटेक कैलकुलेट करें और देखें कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं। नंबर 4 पर आते हैं जो है रॉन्ग फूड चॉइसेस, यानी कि आप जो खाना खा रहे हैं वो गलत तरह का है। दोस्तों बहुत सारे हेल्दी फूड और वेजिटेबल्स जैसे कि खीरा, कुकुम्बर और पालक हो गया, स्पिनच, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, बट ये आपके वेट गेन में कोई भी सहायता, कोई भी हेल्प नहीं करने वाली है। इसलिए आप ऐसे फूड कंज्यूम करें जिनकी कैलोरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। चलिए अपनी रीज़न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है यू आर ट्रेनिंग रॉन्ग, आप गलत तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप आइसोलेट एक्सरसाइज जैसे कि बाइसेप कर्ल्स, ट्राइसेप्स, किक बैक्स, इस तरह की एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो फिर आपका मास गेन जो होता है वो नहीं हो पाता है। इन एक्सरसाइज की बजाय जो आप कंपाउंड एक्सरसाइज जो होती है, जैसे स्क्वाट हो गया, डेडलिफ्ट हो गई, ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो इसमें आपकी मसल्स जो है वो ज़्यादा यूज होती हैं और आपका मसल मास जो है वो जल्दी इंक्रीज होता है। एक बहुत बड़ा रीज़न है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता। काउंट डाउन में नंबर 2 पर जो रीज़न है वो है टू मच एक्टिविटी, यानी हद से ज़्यादा एक्सरसाइज करना। मान लिया फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बट आप डेली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज जैसे कि रनिंग कर रहे हैं, आप कार्डियो कर रहे हैं, आप यहाँ से वहाँ, इधर से उधर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो ये चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी आपकी बॉडी का मास जो है वो इंक्रीज होने में। उसको जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। लास्ट और सबसे बड़ी गलती जो हर कोई करता है वो ये है कि आप फैट लेना बंद कर देते हैं, बिल्कुल अवॉइड करते हैं उसको। दोस्तों फैट भी आपकी बॉडी के लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि प्रोटीन और कार्ब्स है। फैट को बिल्कुल नेग्लेक्ट करने से और खाली प्रोटीन कंज्यूम करने से आपकी बॉडी पर, आपकी हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। इसलिए आप अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स ज़रूर ऐड करें। इनकी कम से कम 5000 कैलोरीज की डाइट लें और फैट को आप बाद में भी शेड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।